हेलो सो हाय वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक एप इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। कि आप फूड का लाइसेंस बनाना चाहते हैं स्टेट लेवल का और आपकी कंपनी है जिसके अंदर में 6 लाख से ज्यादा टर्नओवर आप कर रहे हैं और कंपनी या फिर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का आपको फूड का लाइसेंस बनाना है तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जो है स्टेट लेवल का फूड लाइसेंस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने फूड का लाइसेंस के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी जिसके अंदर में हमने बताया था कि अगर आपका छोटा बिजनेस है यानी आप जो स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं जिसका टर्न ओवर 6 लाख से कम है तो उसका लाइसेंस किस तरीके से बनाना है, उसकी सारी जानकारी हमने उस वीडियो में दी थी। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप स्टेट लेवल का जो है फूड लाइसेंस बनाते हैं तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले, किस तरीके से आपका जो है फूड लाइसेंस आपको आएगा, उसे किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि यहाँ दी जाती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स और अनबॉक्सिंग करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की और उसके अलावा देते हैं कुछ खास ट्रिक जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदे की हो सकती है। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बताया कि भाई आपको और कौन सा और किस टाइप का वीडियो चाहिए और जो है आप लाइक बटन को भी जरूर दबा दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर पे जान लेते हैं किस तरीके से फूड का लाइसेंस हमारा स्टेट लेवल का बनाना है और उसकी क्या प्रोसीजर दी गई है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आपको फूड का लाइसेंस बनाना है तो आपको जाना होता है फसाई की इस वेबसाइट के ऊपर में, जहाँ के जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से जाकर आप जो है आसानी से जो है लॉगिन कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको करना ये है, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, यानी आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे और यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सेलेक्ट करने के बाद में महाराष्ट्र में एक से ज़्यादा अगर ऑफिस रखना चाहते हो यस करें, नहीं तो नो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को यस करना है, सेकंड ऑप्शन को नो या यस हम कर सकते हैं। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम है या फिर जिस भी टाइप का आपका काम है, टर्न ओवर आपका जो है 12 लाख से ज़्यादा है, 6 लाख 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको गेनिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा कि हम यहाँ पर जो ऑप्शन डाल रहे हैं वो है मील का, दाल मिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमने गेनिंग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में प्रोसीड बटन पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे हमने प्रोसीड बटन पे क्लिक किया, प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो है आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आपने नहीं डाला है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब हम क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पर आपको डालनी होती है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आप, जैसा कि यहाँ पर मैं फॉर्म में बताऊँगा, क्लिक कर दूँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे और यहाँ पे हमने फॉर्म की पूरी डिटेल फिलअप कर देनी है। जैसा कि हमारा कंपनी का नाम हो गया, उसके बाद में कंपनी का एड्रेस, उसके बाद में मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, आपका जो है ईमेल आईडी वगैरह, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है आपको, कैप्चर कोड वगैरह वहाँ पर लगाना है ताकि आप जो है इस फॉर्म को आगे बढ़ा सकें। जब पूरी तरीके से फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाए तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन जो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखता है उस पर हमें क्लिक कर देना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो अच्छी तरीके से रजिस्टर हो सके। रजिस्टर बटन पे कैप्चा कोड डाले बाद में हमने रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन बटन पर जब हम क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद में होता ये है कि आपको इस तरीके से फॉर्म की पूरी डिटेल आगे मिलेंगी, जहाँ पे आपको जो है डालना होता है आपकी कंपनी का पूरा नाम और ये देखिए पूरी डिटेल और रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे हमने प्रोसीड बटन पर क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन बटन कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे आपको यूज़र आईडी आ चुका है, यूज़र आईडी आपको डाल देना है, पासवर्ड आप वहाँ पे डाल दें, नीचे का कैप्चा कोड आप वहाँ पे डाल देना है और कैप्चा कोड डाले बाद में जो है आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद में होता ये है कि आपको एक पेज स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैनुअल दिखाई दे रहा है कि आपको किस तरीके से फॉर्म बना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेना है और उसके बाद में आपको जाना है जो है फर्स्ट बटन पर, क्लिक करने के बाद में वहाँ पे सेलेक्ट करना है स्टेट, यानी हम वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में गेनिंग हमने जो भी अपनी कंपनी का नाम है वो हमने यहाँ पे जो है फूड के लाइसेंस की डिटेल फिर से हम वहाँ पे फिलअप करनी है, क्योंकि ये दोबारा इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। अगर आपका बड़ा कंपनी है तो आप जो है 12 लाख से ज़्यादा टर्नओवर, 6 लाख से ज़्यादा टर्नओवर वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो हम लेते हैं तो फिर आपको आगे के ऑप्शन फिलअप करना है। वहाँ पे आपको क्लिक करना है सेकंड ऑप्शन के ऊपर में, आपको सेकंड ऑप्शन इस तरीके से दिखाई देता है, उस पर क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद में आपको डालना है फूड की कैटेगरी, टाइप ऑफ कैटेगरी, उसके बाद में आपको कंपनी का पूरा नाम, पुराना लाइसेंस है तो पुराना लाइसेंस डाल दे वरना आप नहीं डाले, उसके बाद में आपका पूरा एड्रेस, और पूरा एड्रेस डाले बाद में जो है आपको बढ़ना है आगे और वो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको फिर से यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे
चेक करनी है, और नीचे जाकर जो है और भी अगर आपके कोई फूड के प्रोडक्ट है तो वहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं। प्रॉपरली ले फूड के प्रोडक्ट की अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ब्राउचर को प्रॉपरली पढ़ ले। इसके अंदर में ब्राउचर जो दिया गया है, फर्स्ट अब लॉगिन जब हम करते हैं तो लॉगिन करते समय एक ब्राउचर देता है, वो ब्राउचर को आप पूरी तरीके से पढ़ ले। उसमें होगा ये कि आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से रजिस्टर यानी सही तरीके से भरा जा सकेगा। अब जो है हमने हमने यहाँ पे ऑप्शन को ले लेना है जो भी आपका फूड का टाइप है, यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं फूड का टाइप जो हमको चाहिए, और उसके बाद में हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ पे आपको जो है नेम ऑफ फूड आइटम वहाँ पे दिखा रहा है, उसके बाद में डेली डेट्स, उसके बाद में डेट ऑफ काइंड्स ऑफ बिजनेस, काइंड्स ऑफ बिजनेस, उसके बाद में ऐड न्यू, यानी यहाँ पे हमने वन बाय वन सेलेक्ट करते जाना है कि अगर आपके बहुत सारे फूड्स हैं तो वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं आपको लेना है तो नहीं करें और सेवन नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। सेवन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि फॉर्म जो है इस तरीके से आगे बढ़ चुका है। अब जो है यहाँ पे आपको पूरे फॉर्म की पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, जैसा कि आपके कंपनी का मालिक कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, आपके कंपनी के अंदर में कितने एम्प्लॉयज़ है, उसके बाद में वो सारी डिटेल जो आपको जनरली एक फॉर्म पे मिलती है वो सारी डिटेल आपको वहाँ पे फिलअप करनी है ताकि आपका जो फॉर्म है प्रॉपरली सेट हो सके। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको जो है ओरिजिनल डाले ताकि आपका जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर में मैसेज आ सके, और मोबाइल नंबर पर आपको जो है मैसेज आ सके, और ईमेल आईडी के ऊपर में आपका जो है ईमेल प्रॉपरली आ सके। लाइसेंस जो आता है वो आपको ईमेल आईडी के ऊपर ही आपको मिलता है। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो लाइसेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर रहे हैं, फिल करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देता है कि वो आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है, लाइसेंस के टाइप सिलेक्ट करने हैं, कितने कौन से स्टेट में हम फॉर्म भर रहे हैं वो पूरी चीज़ें फिलअप करनी है, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है या फिर प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होता है। ऑप्शन प्रॉपरली सेलेक्ट करें, कहीं पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट कर कर हम आपको पूरी डिटेल वहाँ पे बता देंगे। अब जो है जब हम सेवन नेक्स्ट प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से होती है मेन प्रोसीजर स्टार्ट, स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट, स्टेट लेवल का फूड लाइसेंस बनाने की। जैसा कि हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको जो है आ चुके हैं सारे ऑप्शंस। देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी गई है यहाँ पे, वन बाय वन सारी डिटेल तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, आपको जो है सारी डिटेल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जैसा कि आपका पुराना लाइसेंस, आपके शॉप का पूरा जो है फ़ोटो, मालिक का फ़ोटो, उसका आधार कार्ड, ईमेल आईडी, अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो प्रॉपर्टी डीड, उसके बाद में पार्टनरशिप डीड, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट वहाँ पे अवेलेबल है, जो जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सारे जो है ऑप्शन वहाँ पे फिलअप करें। 100 रुपये की स्टैम्प के ऊपर में डिटेल आपकी लिखी हुई कंपनी की, उसके बाद में आपका कंपनी का पैन कार्ड, या फिर कंपनी का नहीं है तो जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है या जो मालिक है उसका पैन कार्ड वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको लगाना है पूरे डॉक्यूमेंट वन बाय वन, और जब हम पूरे डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से लगा दें तो उसके बाद जो है फॉर्म को आगे बढ़वाना है। जैसा कि यहाँ पे वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने, डॉक्यूमेंट का टाइप आपको याद रखना है कि जेपीजी हो या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट को लगा दें, और साइज़ जो है प्रॉपरली सेट करें कि कितने एमबी का आपका जो है साइज़ है वो वहाँ पे रीड कर ले प्रॉपरली, और उसके बाद में सारी डिटेल फिलअप करने के बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है, वो होता है आपका सेव एंड नेक्स्ट बटन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। सारे डॉक्यूमेंट वन बाय वन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। देखिए पार्टनरशिप डीड है, शॉप का आपका पूरा डिटेल है, शॉप का फ़ोटो है, मशीनरी अगर है तो मशीनरी का पूरा फ़ोटो आपको वहाँ पे लगाना है, उसके बाद में आपका पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड लगा दे, जो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आप लगा दें। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसके ऑप्शन को चेक कर ले कि उसके अंदर में वो फील्ड मैंडेटरी है या नहीं, अगर मैंडेटरी नहीं है तो आप वो डॉक्यूमेंट ना ही लगाए तो भी चलता है, ठीक है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे का हो सकता है, क्योंकि फूड लाइसेंस के ऊपर मैं इतनी डिटेल में कोई वीडियो मेरे ख्याल से नहीं बना है जो मैं आज यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। अगर बना भी है तो उसके अंदर में डॉक्यूमेंट की पूरी डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर मैं सारी डिटेल देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, इसलिए जो है आप जो है पेशेंस के साथ देखें, पूरे वीडियो को पूरा देखें, एक भी स्टेप ना छोड़े, अगर आप स्टेप छोड़ दें तो आपका लाइसेंस
नहीं बन पाएंगे सही तरीके से। फिर सेवन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है चालान का ऑप्शन। जब हम चालान का ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पे आपके पूरे जो है डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ पे एक बार प्रिपेयर चेक करना है। यहाँ पे देखिए प्रिंटआउट का ऑप्शन आ चुका है, ये प्रिंटआउट आप निकाल के रख दें और पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव कर ले, क्योंकि इसमें होता यह है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस फॉर्मेट को आपको अपलोड करना होता है कि आपने जो पहला फॉर्म भरा है उसके ऊपर सिग्नेचर कर कर आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सारे ऑप्शन देखने के बाद में प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर जब हम क्लिक कर देते हैं तो आपको जो है वहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद सारे ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखाई देने लगते हैं। अब जो है यहाँ पे हम चालान फिलअप करेंगे, चालान भरेंगे। तो फिर चालान भरने के लिए आपको जाना होता है दूसरी वेबसाइट के ऊपर में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जीएसआर गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर में हमको जाना है, जहाँ से आपको उस फॉर्म की डिटेल भरनी होती है कि आपको जो लाइसेंस है वो कौन सा स्टेट लेवल का था, उसका चालान कितना आपको भरना है और चालान की अमाउंट कितनी है, वो सारी चीज़ें। जैसा कि हम यहाँ पे प्रिंटआउट दे रहे हैं पहले फॉर्म का, क्योंकि ये फॉर्म का प्रिंटआउट इसलिए लेना है ताकि उसके ऊपर सिग्नेचर कर कर आप जो है उस फॉर्म को स्कैन कर सके। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, ओके कर देना है। यहाँ पे चालान आपका प्रिंटआउट का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। अब जो है चालान की डिटेल आपको वहाँ पे डालनी है, जो भी आपकी डिटेल है, जैसा कि उसका नंबर वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो सारे नंबर्स वहाँ पे आपको वन बाय वन डालने हैं, अमाउंट डालना है, डिपार्टमेंट डालना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आपने ये नहीं भरा है तो आपको जाना है जीएसआर की वेबसाइट के ऊपर में और यहाँ पे आप जो है चालान बना लें। आपका जो फूड एंड ड्रग का जो है वो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लें, सेव करें, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद में आपकी पूरी कंपनी का पूरी डिटेल, लाइसेंस नंबर, लाइसेंस की पूरी डिटेल वहाँ पे डालनी है कि आप स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लाइसेंस लेना चाहते हैं या फिर आप जो भी लाइसेंस लेना चाहते हैं, वो सारी डिटेल वहाँ पे वन बाय वन फिलअप करनी है आपको। स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी कंपनी का पूरा नाम, आपकी ईमेल आईडी, आप किस लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वन बाय वन फिलअप करनी है। और फिलअप करने के बाद में अमाउंट वगैरह आपको डालना है। अमाउंट वगैरह डाले बाद जो है आपका काम किस लिए आप भर रहे हैं फॉर्म, वो पूरी चीज़ें आपको वहाँ पे डाल देनी है। ऑफिसर वगैरह जो भी है आपका, स्टेट वगैरह, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको वन बाय वन प्रॉपरली फिलअप करनी है ताकि आप गलती ना करें। फिर आपको कैप्चा कोड लास्ट में डालना होता है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दे। स्टेट वगैरह प्रॉपरली सिलेक्ट करने के बाद में प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होता है। अगर वहाँ पे हम कोई गलती करते हैं तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। आप जब प्रोसीड बटन पर क्लिक किए तो आपका ये फॉर्म आज इस तरीके से आ चुका है। आप जो है यहाँ पे आपको पेमेंट प्रोसेस पे जाना है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है पेमेंट प्रोसेस, उस पर आपको क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे आपको दिखाता है एक्सेप्ट टू प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दे। एक्सेप्ट टू प्रोसीड बटन पर जब हम क्लिक कर दे तो आपके बैंक से वो लिंक हो जाएगा या फिर आप एटीएम वगैरह के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग ले, डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड हम वहाँ से ले सकते हैं। हमने वहाँ पे कंपनी का जो है आपके बैंक का डिटेल लिया, आईडीबीआई सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया। नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो है आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड वहाँ पे डाल दिया। लॉगिन आईडी पासवर्ड डाले बाद में आपको ओएसपी आ जाएगा और ओएसपी डाले बाद में आपको जो है इस तरीके से हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट होने के बाद में आपको जो है आगे की प्रोसेस होती है वो होती है आपका फॉर्म की पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिलअप होने के बाद में ये चीज़ आ चुकी है, चालान आपका आ चुका है। अब ये चालान आपको ऐड कर रहा है आपके उस फॉर्म के ऊपर में जो फूड की साइट के ऊपर में आप फॉर्म भर रहे थे, वहाँ पे आपको जो है ये सारी डिटेल फिलअप करनी है। इसका प्रिंटआउट आप निकाल के रख दे, उसका जो है एक जेरोक्स अपने पास रख दे ताकि आप जो है पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो वहाँ पे क्लियर कर सकें। अब जो है यहाँ पे हम पेमेंट फूड की पूरी डिटेल यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरीके से है आपका पूरा इन्फॉर्मेशन, आपकी कंपनी का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन का डेट, उसके बाद में आपका अमाउंट, आपका चालान नंबर, उसके बाद में प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना होता है। पूरा फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन कंप्लीटेड जो ऑप्शन वहाँ पे दिखाता है, यानी पूरी डिटेल भरने के बाद में आपको जाना है प्रीव्यू एप्लीकेशन पे और उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करना है ताकि आप जो प्रीव्यू इसलिए देखना है कि आपने फॉर्म जो भरा है वो सही है या नहीं, और उसके बाद में आपको जाना है आपके
नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर में वो होता है आपके प्रोसीड बटन, सबमिट बटन। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप जो है आपका जो लाइसेंस है वो 10 से 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर आपके पास में आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम कुछ गलती करते हैं तो वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस चीज़ को याद रखें। और उसके बाद में आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब जाना है आपको 1 महीने बाद में आपका रजिस्ट्रेशन के ऊपर में, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आपने किया था फूड लाइसेंस के लिए, और वहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है, जो भी आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला था। और उसके बाद में आपको डालना होता है आपका कैप्चा कोड, जो भी आपका कैप्चा कोड वहाँ पे दिखाई दे रहा है वो प्रॉपरली डालें, ताकि अब जो है कैप्चा कोड जो है आपको बार बार यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से दूसरा कैप्चा कोड ले लें। और उसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में होता यह है कि आपका जो फूड का जो लॉगिन है वो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का याद रखें कि आपका जो फूड का जो लाइसेंस आपने अप्लाई किया था, तो अप्लाई करने के मैक्सिमम मिनिमम 15 डेज के बाद ही लॉगिन कर आप अपने लाइसेंस को देख सकते हैं। गो टू डैशबोर्ड बटन पर आपको जाना है। गो टू डैशबोर्ड बटन पर जब हम क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद में होता यह है कि आपका जो पेज स्टार्ट हो चुका है। आपको जिस टाइप का अपने लाइसेंस बनाया था, जैसा कि आपने सेंटर का बनाया था या फिर आपने इनकम्प्लीट किया था या स्टेट का बनाया था, वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद में आपको स्टेट आपकी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी स्टेट से आपने अप्लाई किया था। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने सेलेक्ट किया था। और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सर्च बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको आ चुका है एप्लीकेंट का डिटेल, उसके बाद में आपके इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में यहाँ पे ईमेल, और ये आ गया आपका लाइसेंस। लाइसेंस व्यू बटन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका इस तरीके से लाइसेंस। आपने जो फीस भरी 3,000 रुपये आपने पेमेंट किया है, और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। और ये है आपका कंपनी का पूरा पूरा 1 ईयर का लाइसेंस यहाँ पे दिया गया है। आपकी एक्सपायरी डेट वगैरह, यानी 19/12/2018 को आपने अप्लाई किया था, 18/12/2019 को आपको जो है रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा। 18/12 के पहले ही आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। और इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बता दे। थैंक यू वेरी मच। मेरे पहले वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।